दोस्तों आज जो कॉमिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुरुकपांड और मौत का जंगल। ये कुरुकपांडी कॉमिक है तो पढ़ते हैं इसको। कुरुकपांड और मोटू आज विमान द्वारा भारत की हाल ही की खोज एक टापू क्रोकोडाइल पर घूमने फिरने जा रहे थे। यह स्पेशल विमान था और सीधा क्रोकोडाइल टापू जा रहा था। उस विमान पर सवार स्त्री पुरुष और बच्चे सभी उस टापू की सैर के लिए जा रहे थे। अखबार वालों ने उस टापू की इतनी प्रशंसा की थी कि बॉन्ड अपने आप को रोक नहीं सका था और कुछ दिनों के लिए ऑफिस पर ताला डाल मोटू के साथ उस टापू की ओर रवाना हो गया था। देखो बॉन्ड भैया, नीचे का नजारा कितना सुंदर लग रहा है, खर खर। मोटू ये बार बार जगाने पर कुरक बॉन्ड बिगड़ उठा। मोटू के बच्चे, नजारा बजारा तू ही देख, मुझे तो आराम से सोने दे। यदि अब तूने मुझे तंग किया तो मैं खिड़की तोड़कर तुझे तेरे उसी सुंदर नजारे के पास पहुंचा दूंगा। अरे बाप रे। तभी अचानक मौसम खराब हुआ और देखते ही देखते विमान काले घने बादलों के बीच गिर गया। शीघ्र ही बिजली कड़कने लगी और इसी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, कड़कड़ कड़। मौसम इतना जबरदस्त खराब हुआ था कि विमान संभल नहीं पा रहा था। विमान के स्थिर न रहने के कारण यात्री भी इधर उधर लुढ़क रहे थे। अटेंशन प्लीज, कृपया सुरक्षा के लिए अपनी अपनी बेल्टें बांध लें। देखा बांट भैया, तुमने बुरा बोला और बुरा हो गया। न तुम नजारे को कोसते और न नजारा इतना खराब होता है। अब तो वास्तव में जान जाने की नौबत दिखाई दे रही है। बकवास बंद कर और आराम से आंख बंद कर सो जा, अपने आप मौसम अच्छा हो जाएगा। तभी विमान को एक जबरदस्त झटका लगा और तमाम यात्रियों के कंठ से चीखे निकल गई, ई आ ई। मोटर बॉन्ड के सिर भी आपस में किसी नारियल नारियल की तरह टकराए, खटाक, आ ई आ। विमान अब बार बार झटके खा रहा था और यात्री एक दूसरे पर लुढ़क रहे थे, खटाक, उफ। वह मोटू के बच्चे संभल कर बैठ, क्या बैंगन बैंगन की तरह बार बार मुझे टकरा रहा है। अरे कोई मालूम करो ये सब क्या चक्कर है। तभी स्पीकर से घबराई हुई आवाज उभरी, कृपया आप लोग धैर्य से काम ले और अपने अपनी सीटों पर जमकर बैठ जाए। मौसम और यान में पैदा हुई कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण हमें यान को तुरंत किसी भी स्थान पर उतारने पर विवश होना पड़ रहा है। क्या है? ओह ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। ओ अब क्या होगा, हे भगवान हमारी रक्षा कर, हे गॉड हमें सुरक्षित जमीन पर उतार दे। मैं प्रण करता हूँ कि फिर कभी अपनी औकात भूलकर किसी विमान में सफर नहीं करूंगा। मैंने तो पहले ही आपसे कहती थी कि किसी टापू वापू पर मत जाओ, शगुन अच्छा नहीं है। मौज मस्ती लेनी है तो घर पर ही ले लो, लेकिन तुम नहीं माने बापू। लो भुगतो अपनी करनी का फूल। अब तुम्हारा क्या ख्याल है बॉन्ड भैया, हम मरेंगे या जिएंगे? मौसम सुहाना है इसलिए बचने के 100% चांसेस है। बॉन्ड की बात सुनकर मोटू चकरा उठा है। तभी खराब मौसम में विमान ने नीचे गोता खाया। विमान नीचे उतर रहा, आप लोग सावधान होकर बैठ जाइए। नीचे जंगल था। चालक कक्ष में, कैप्टन नीचे तो जंगल है, मजबूरी है यान को यहीं कहीं उतारना पड़ेगा क्योंकि इस हालत में यान को आगे ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। परंतु विमान को जंगल में उतारना भी खतरे से खाली नहीं होगा। कैप्टन ब्लैक, भाई विमान की वो उतारने लायक कहाँ जगह होगी? अब तो सब कुछ भगवान पर ही निर्भर करता है, उसे याद करो और हो सकता है हम लोगों पर उसे दया आ जाए। सभी सहायकों ने चुप्पी साध ली, सभी के चेहरों पर मौत की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। विमान सैने सैने नीचे उतर जा रहा था तभी कैप्टन प्रसन्नता से चीख उठा, मित्रों वह देखो जंगल के बीच एक समतल स्थान। वाह, आह ईश्वर ने हमारी सुन ली, उस स्थान पर विमान को उतारने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है दोस्तों, और मुझे विश्वास है मैं विमान को उस स्थान पर उतारने में सफल हो जाऊंगा। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। कैप्टन के हाथ तेज से यंत्रों से खेलने लगे और विमान एक लंबा गोता खाकर पेड़ों के मध्य से होता हुआ खड़खड़खड़, पेड़ों की डालों को काटता हुआ ऊंचे ऊंचे झरमुटों को चीरता हुआ कटकड़खड़ाक जंगल के बीचों बीच बने एक छोटे से समतल मैदान में पहुंचने में सफल हो गया। अटेंशन प्लीज, ईश्वर का धन्यवाद दे, विमान सुरक्षित जमीन पर लैंड करने में सफल हो गया। हुर्रे। अंत में विमान एक झटके से रुक गया और शीघ्र ही विमान का दरवाजा खोलकर विमान की इमरजेंसी सीढ़ियां जमीन के साथ लगा दी गई। अब आप लोग नीचे उतर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यान के पास ही रहे, ज्यादा दूर न जाए। चलो बॉन्ड भैया, हम भी बाहर निकलकर जरा तफरी ले लेते हैं। सभी यात्री विमान से नीचे उतर आए और जान बचाने की खुशी में
प्रसन्नता से आसपास घूमने लगे। क्यों मोटिव, क्यों ना हम दोनों कुछ देर जंगल की सैर कराए। ना बाबा ना, वहां का आदमखोर शेर चीता मिल गया तो। अबे चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर तेरा डील डोल देखकर तो शेर चीते वैसे डर कर भाग जाएंगे। नहीं बॉन्ड भैया, मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। पहले तो मोटू बॉन्ड के साथ जंगल के भीतर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, परंतु तो फिर बॉन्ड के बार बार कहने पर वह बॉन्ड के साथ चल पड़ा। उधर विमान के भीतर चालक कक्ष में विमान का कैप्टन अपने साइको और एयर होस्टेस के साथ बैठा किसी किताब और नक्शे का अध्ययन कर रहा था। कुछ पता चला कैप्टन कि इस समय हम कहाँ हैं। जहाँ तक मैं स्थिति समझ पाया हूँ उसके अनुसार हम इस समय कंकालू के जंगलों में हैं। जंगल का नाम सुनकर सबके मुंह से बहम मिश्रित चीखें निकल गई। कंकालू का जंगल, कंकालू का जंगल है क्या? तुम लोग इस जंगल का नाम सुनकर इतना घबरा क्यों गए मित्रों? कैप्टन, हमने इस जंगल के बारे में पेपर और किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है। यहाँ से जिंदा बचकर वापस जाने वाले कुछ शिकारियों ने तो इस जंगल को मौत का जंगल तक कहा है। उनके कहे अनुसार मौत इस जंगल में पग पग पर विराजमान है। आदमखोर लोग, पेड़ व जानवर, दलदल, खाइयां, सब कुछ इस जंगल में है। हा हा हा, हाँ यह बात तो है, यह बातें मैंने भी पढ़ी है, सुनी है, परंतु इसके अलावा भी मैंने जंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ सुना है। क्या? मैंने सुना कि जंगल के किसी हिस्से में बेशुमार खजाना भी बिखरा पड़ा है और उस खजाने में वे चार अनमोल हीरे भी हैं जिनसे पूरी पृथ्वी को खरीदा जा सकता है। कैप्टन की बातें सुनकर वे सभी बुरी तरह चौंके। तो क्या आपका इरादा है जंगल के भीतर जाकर उन हीरो और खजाने को हासिल करने का है? हरगिज नहीं, मैं इतना लोभी नहीं मैं कि अपनी जानकारी और चाहत के पीछे तुम सबकी जान खतरे में डालू। ओह, तो क्या आप अकेले होते तो ऐसा दुस्साहस करते? शायद। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ हम सब मिलकर विमान की गड़बड़ी को चेक करते हैं। गड़बड़ी ठीक होते ही हम यहाँ से फिर उड़ चलेंगे। हाँ चलिए। उन सब ने विमान का निरीक्षण किया। विमान के इंजन में आई गड़बड़ी के साथ साथ विमान उतरते समय भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ था, अतः सभी मिलकर विमान की मरम्मत में जुट गए। कैप्टन, यान के ठीक होने में कितना समय लगेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। कैप्टन, आप एयरपोर्ट स्टेशन से संपर्क क्यों नहीं करके कोई मदद क्यों नहीं मंगवा लेते? यही तो मुश्किल है मिस्टर, हमारा वायुयान ट्रांसमीटर सेट भी न जाने कैसे खराब हो गया है जिसके कारण हम एयरपोर्ट स्टेशन से भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अब आप लोग हमें डिस्टर्ब न कीजिए और हमें शांतिपूर्वक अपना काम करने दीजिए। उसके बाद फिर किसी ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और यान के आसपास घूमकर ही समय बिताने लगे। उधर बॉन्ड और मोटू जंगल में यूं ही आगे बढ़े चले जा रहे थे। मैं कहता हूँ बॉन्ड भैया, आप भी वापस लौट चलो, बहुत हो चुका जंगल में सैर सपाटा, फिर मुझे भूख भी बड़े जोरों की लगी है। बेटा थोड़ा और चल ले, फिर तेरी भूख और मोटापा किसी आदमखोर जानवर को देखकर जरूर कुछ हद तक कम हो जाएगी। तभी बॉन्ड भैया, अबे भाई क्या हुआ, यह उदबिलाव की तरह मुझसे चिपटा क्यों चला जा रहा है? वो उस तरफ देखो। ओह जरूर, वह किसी अब आगे भटके हुए आदमी का पिंजर होगा। आओ निकट चलकर देखते हैं, हो सकता है तलाशी लेने पर उसके बारे में कुछ मालूम हो जाए। नहीं नहीं अबे चल, डरता क्यों है, मैं जो हूं तेरे साथ। बॉन्ड मोटू को जबरदस्ती घसीटता हुआ उस मानव पिंजर के पास ले गया। हालांकि शरीर पर मांस का एक भी टुकड़ा नहीं तथा शरीर पर पड़े कपड़े भी बुरी तरह गल चुके हैं, फिर भी इसके गले हुए जूते व ड्रेस को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह कोई शिकारी है और मेरी बात को प्रमाणित करता है इसके हाथ में थमाई है रिवॉल्वर। बॉन्ड ने उस मानव पिंजर के हाथ से रिवॉल्वर ले लिया और उसका निरीक्षण करने लगा। भरा हुआ है, लगता है लेकिन यह नहीं कह सकता कि इसमें भरी गोलियां इस्तेमाल के काबिल है या बेकार, तो चला कर देख लो। वाह यह कही तुमने कल की बात, दाएं आह गोलियां जीवित हैं, कम से कम अब यह रिवॉल्वर हमारी हिफाजत के काम तो आएगा। फिर बॉन्ड उस मानव पिंजर के गल चुके कपड़ों की तलाशी लेने लगा, परंतु वस्त्रों की तलाशी में कुछ नहीं मिला। तभी बॉन्ड भैया वह देखो, ओह वह बैग शायद इसी का होगा। बॉन्ड ने वह बैग उठाकर उसका निरीक्षण किया। वह इसमें तो काफी मात्रा में गोलियां, सिगरेट व दो तीन हैंड ग्रेनेड भी पड़े हैं और इन सब के साथ यह फटा पुराना कागज भी है। जरा पढ़ना तो इसमें क्या लिखा है। उस कागज पर खून से चंद लाइनें लिखी थी। मैं विजय भटनागर, भारत का एक शिकारी, आज दिनांक 7/4/86 को मौत से आखिर लड़ाई लड़ता हुआ कंकालू के जंगल में भटक रहा हूँ। उम्मीद नहीं है कि बच पाऊंगा। किसी को यह पर्चा मिले तो मेरे परिवार C26 ग्रीन पार्क रामगढ़ को सूचित कर दे। विजय। हम
तो हम मेरा विचार ठीक ही निकला है, शिकारी है। खैर यदि हम अपने घर लौट पाए तो इसके परिवार वालों को भी इसकी मौत के बारे में अवश्य सूचित कर देंगे। क्या मतलब? बोंड की बात सुनकर मोटू चौंक उठा था। मतलब कुछ नहीं प्यारे मोटू, इस बैग को संभालो और वापस चलो। वक्त जरूरत पर अब यह गोली बारूद हमारे काम आएगा। दोनों वापस लौट पड़े। शुक्र है भगवान का, बोंड भैया को वापस लौटने की सुध तो आई, परंतु शिकारी बोंड को आभास हुआ। मोटू लगता हम मार्ग भूल गए हैं। क्या यह तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूँ, यह वह मार्ग हरगिज नहीं है जिससे होकर हम यहाँ तक पहुंचे थे। हाय अब क्या होगा? हाय अब तो वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। लेकिन मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। अबे तो मैं क्या करूँ, ज्यादा भूख लगी तो मुझे खा ले। मोटू मुंह बनाकर चुप हो गया और बॉन्ड अंदाजे से ही एक तरफ बढ़ने लगा। लेकिन काफी देर तक उन जंगलों में भटकने के बाद भी उन्हें वापस यान तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिला, जबकि मोटू का भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। बेटा मेरा भी यही हाल है, चल कुछ देर यही आराम कर लेते हैं। इधर कई दिन बीत गए, लेकिन न तो जहाज का ट्रांसमीटर ही ठीक हो पाया और न इंजन में उत्पन्न हुई खराबी ठीक हो पाई। अब क्या हुआ कैप्टन? न तो विमान ही ठीक कर पाने में सफल हो पाए और न इस जंगल से निकलने के कोई उपाय भी सोच पाए हैं। और कैप्टन, विमान में जितना खाने पीने का सामान था वह भी लगभग समाप्त हो चुका है। यदि जल्दी खाने पीने की वस्तु का कोई इंतजाम नहीं किया गया तो हम सबके भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। इन सब बातों को देखते हुए तो अब एक ही चारा रह गया है, वह क्या? हम सब पैदल ही इस जंगल को पार कर दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करें। क्या? ओ नो, असंभव। कैप्टन आप जानते हैं कि यह जंगल कितना भयानक है, फिर भी आप इसे पैदल ही पार करने की बात कह रहे हैं, और वह भी इस हालात में जबकि हमारे पास अपने बचाव के लिए कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। मजबूरी है, यहाँ भूखे पैसे मरने से तो अच्छा है यही है कि हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। हिम्मत से काम लो दोस्तों, मुझे विश्वास है इस बार हमारी मदद अवश्य करेगा। कोई चारा नहीं था, तब सबने कैप्टन की बात पर हिम्मत करना उचित समझा और यहाँ से अपना अपना हल्का फुल्का जरूरी सामान उठाकर कैप्टन के नेतृत्व में एक तरफ चल पड़े। कैप्टन एक नक्शे के अनुसार उन्हें जंगल के भीतर ले जा रहा था। जंगल में प्रविष्ट होने के बाद सुबह से शाम तक वे लोग चलते रहे और खाने पीने के लिए उनके पास जो कुछ बचा था उन्होंने एक स्थान पर बैठकर खाया और फिर आगे बढ़ चले। रात होने पर उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर डेरा डाल दिया और बारी बारी से पहरा देते हुए आराम करने तथा नींद पूरी करने लगे। इस तरह से वह दिन तो उनका सकुशल गुजर गया, परंतु अगले दिन उन अपनी यात्रा पुनः शुरू करते उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया। बचाओ, ओह, किसी के पास रस्सा आदि हो तो उसकी तरफ फेंको, जल्दी करो। परंतु किसी के पास रस्सा नहीं था, तो सभी बेबसी से दलदल में धंसते उस अभागे व्यक्ति को देखते रहे। उनके देखते देखते वह अभागा व्यक्ति दलदल में समूचा समा गया और वे सब उदासी से फिर आगे बढ़ चले। भयानक जंगल आरंभ हो चुका था। सभी सावधान रहना, या नर बक्षी वृक्ष। तभी आई, बचाओ, ओह ओफ, नर बक्षी पेड़, बचाओ। कुछ स्त्री पुरुष उस स्त्री और उसके बच्चे की ओर बढ़े। नहीं, उनके पास मत जाना, वे आदमखोर वृक्ष हैं, तुम लोगों को भी जकड़ लेगा। ओह ओह, सब मजबूर होकर रुक गए। चपर चपर, अफसोस हमारे पास कोई हथियार नहीं है, वरना हम लोग उन्हें बचाने का प्रयत्न कर सकते थे। आह, बचाओ। जल्दी स्त्री और उसका बच्चा पेड़ों के झुरमुटों में बेजान होकर लटक गए। वे लोग खत्म हो चुके हैं, मजबूरी है, हमें उन्हें इसी हालत में छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आओ चले। और वे लोग फिर उदासी से आगे बढ़ चले। लेकिन कुछ आगे बढ़ने पर गुर्र, ओह सावधान, आसपास लगता है कोई नरभक्षी चीता अथवा शेर है। शेर चीते का नाम सुनते ही उन लोगों में भगदड़ मच गई। गुर्र गुर्र, भागो। अरे शेर उस तरफ है, उस तरफ नहीं इस तरफ है, भागो। गुर्र, अरे रुको मेरी बात तो सुनो। परंतु इससे पहले कि जहाज का कैप्टन उन्हें शेर चीते की वास्तविक स्थिति के बारे में बता पाता, पास की झाड़ियों में से एक कद्दावर शेर ने उन पर छलांग लगा दी। गुर्र गुड़ाप, आह बचाओ। पलक झपकते उस सिंह ने के एयर होस्टेस को अपने जबड़े में दबोचा ही और पास के पेड़ों के झुरमुटों के मध्य जाकर गायब हो गया। बचाओ ही। कैप्टन ने किसी तरह इधर उधर दौड़ते हुए बदहवास लोगों को रोका। आप लोग यदि इस तरह इधर उधर भागेंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और खतरे में पड़ जाएंगे। सुबह सुबह खतरे में तो हम पड़े ही हुए हैं।
अभी तक हमारे 4 साथी हमसे बिछुड़कर मौत के मुंह में जा चुके हैं और आगे पता नहीं हमारे साथ क्या हो। वो सुबह सुबह हुआ कि हम सब भी एक एक करके इस मौत के जंगल में मारे जाएंगे। इस मौत के जंगल से कोई भी जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा। हाय हाय बू, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों क्यों हो गई? हमने कैप्टन का कहा क्यों माना? देखे इस तरह हिम्मत का छोड़ने से काम नहीं चलेगा। इस मौत के जंगल से बाहर निकलने के लिए हमें मौत से टकराना ही होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर रुककर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हम लोगों को आगे ही बढ़ना चाहिए। कैप्टन व सारी चाल को ये बात मानकर एक बार में फिर आगे बढ़ चले। दिन भर चलने और बीच बीच में आराम करने के बाद उन्होंने फिर एक स्थान पर डेरा डाल दिया, परंतु अब तक उनके पास खाने पीने का सारा सामान नहीं पड़ चुका था, इसलिए उन्हें भूखा ही सोना पड़ा। परंतु सुबह होने पर उन्होंने जैसे आगे की यात्रा के लिए तैयारी शुरू की। वो यह भयानक आवाज कैसी? सुग्रीव, वो हे भगवान भागो, ओ माई गॉड! उस विशालकाय भयानक जानवर को देखकर एक बार फिर विमान यात्रियों में अफरा तफरी व भगदड़ मच गई। वो भागो भागो भाई, मुसीबत भागो! वो इसे किसी भी तरह नहीं निपटा जा सकता, भागो! तभी उस विशालकाय जानवर ने कुछ स्त्री पुरुषों को अपने विचित्र पंजे नुमा बड़े बड़े हाथों में उठा लिया। ई बचाओ, उफ, अब क्या करें? हम उन्हें इस जानवर के पंजे से किसी भी हालत में नहीं बचा सकते कैप्टन। अच्छा होगा कि हम भी यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाएं। वो नहीं, मुझे यह नहीं हो सकेगा। चपर चपर, ओह अति भयानक, वह उन लोगों को गाजर मूली की तरह खा रहा है। हम तो भाग रहे हैं कैप्टन। तभी अपने चंगुल में फंसे लोगों को खाकर उस विशालकाय जानवर ने अपने स्थान पर स्थिर खड़े कैप्टन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। वो ईश्वर मदद कर, कैप्टन भागे। परंतु उससे पहले कि वह कैप्टन को अपने विशाल पंजे में दबोच पाता, एक तरफ से उस पर फायरिंग हुई। धोए धोए, वो यह गोलियां कहाँ से चली? गोलियां चलाने वाला कृपण था जो चीख पुकार वह उस भयानक जानवर की दाढ़ की आवाज सुनकर वहां पहुंचा था। धोए धोए, वो बंट भैया, उस जानवर पर तो गोलियों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। क्या ग्रेनेड दू? हाँ दो। धोए धोए, कैप्टन आप इस जानवर से दूर हट जाइए, हम इस पर ग्रेनेड का प्रयोग कर रहे हैं। धाए धाए, ओह वाह! बॉन्ड की चेतावनी सुनकर कैप्टन तुरंत वहां से दूर हट गया। लो बॉन्ड भैया, पिन मैंने निकाल दिए। गुड! मोटू से ग्रेनेड लेकर बॉन्ड ने उसे पूरी शक्ति के साथ उस जानवर की ओर उछाल दिया। वो हे प्रभु, ग्रेनेड चालू हालत में हो। अगले पल ड्रॉम, वो ग्रेनेड ने अपना प्रभाव दिखाया और जानवर घायल होकर जमीन पर गिरता चला गया। वो जमीन पर गिर के वह जानवर कुछ देर तक कराता रहा, फिर शांत हो गया। लोग बाग प्रसन्नता से बॉन्ड और मोटू की ओर दौड़े। उर्रे उर्रे, जानवर मारा गया, हम बच गए, उर्रे! प्रसन्नता से भरकर लोगों ने कुरकबांड और मोटू को अपने कंधों पर उठा लिया। अरे बस भाई बस करो, बहुत हो लिया प्यार। और कुछ देर बाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इन मौके पर आकर मेरी और अन्य लोगों की जान बचा ली। इसे हमारी नहीं ईश्वर की कृपा समझिए जो आप लोगों की चीख पुकार सुनकर हम यहाँ सही मौके पर पहुंच गए। परंतु आप लोग हमसे बिछुड़ कर चले कहाँ गए थे और आपके पास एक गोला बारूद तो आदि कहाँ से आया? इसे भी ईश्वर की कृपा ही समझियो। फिर बोन ने उन्हें अब तक की सारी बातें बता दी। सारी बात सुनकर, चलिए यह भी अच्छा हुआ कि आप लोग मिल गए। कम से कम हम इस गोला बारूद से हम यहाँ के जंगली खतरों का कुछ तो सामना कर ही सकते हैं। बिल्कुल, और हमें भी प्रसन्नता कि हम दोनों को भी आप लोगों का साथ मिल गया। वो दोनों अकेले बोर होकर मरने से बच गए। फिर वे लोग आगे बढ़ने की सोच ही रहे थे कि ओह यह भयानक आवाजें कैसी! हे भगवान, क्या फिर कोई नई मुसीबत? हो, यह तो मुझे आदमखोर जंगलों की आवाज मालूम पड़ती है और वे शायद हमें घेरने की फिराक में है। क्या? परंतु इससे पहले कि वे लोग उन जंगलियों से निपटने का कोई उपाय सोचते या अपने को सुरक्षित कर पाते, असंख्य जंगलियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। हु हु हो हो ही आ बचाओ, मिस्टर बॉन्ड कॉलेज चलाइए, तभी हम बच सकते हैं, वरना सब मारे जाएंगे। भीषम कड़ाक, आह उफ! बॉन्ड को जैसे होश आया और साले मुझे खाना चाहता, ले चक मचा, उफ धड़ाक धाए। ई मोटो सिर्फ गोलिया से काम नहीं चलने वाला, दस्ती बम निकाल। अभी लो बॉन्ड भैया, ये धाए धाए। मोटो ने झटपट दस्ती बम निकालकर बॉन्ड को पकड़ा दिए। बॉन्ड ने एक एक के बाद एक दो तीन दस्ती बम जंगलियों की ओर उछाल दिए। थोड़ा परंतु जंगलियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, बजाय भागने के
उन्होंने और जोर शोर से मुकाबला करना शुरू कर दिया। उपनिषद तो पार पाना मुश्किल है, भागने में ही बुलाई है। आह धाए धाए भागो, और वे लोग तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। हु हा भागो भागो। जंगलियों ने उन लोगों को काफी दूर तक पीछा किया और कुछ स्त्री पुरुषों को पकड़ भी लिया। ई आ हु बचाओ। परंतु बोर्ड आदि में से किसी ने कोई भी उनकी मदद के लिए वहां रुकने का साहस नहीं कर सका और वे भागते ही चले गए। मदद करो, बचाओ। पता नहीं वे कब तक भागते रहे और कब जंगलियों ने उनका पीछा छोड़ दिया। इसका भी उन्हें होश नहीं था। बस उनके कदम तभी रुके जब टांगों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। हफ हफ, बस अब नहीं भागा जाता। हफ हफ, हाँ हम अब कुछ देर यहाँ आराम करेंगे। पता नहीं हम अनजाने में तोड़ते हुए कहाँ निकल आए। हफ, कम से कम यह तो तय है कि हम जंगल से तो बाहर नहीं निकले। क्यों कैप्टन, आप भी खूब है मिस्टर बॉन्ड। इस मौके पर भी आप मजाक करने से नहीं चूक रहे। तभी ही, अरे घोड़ों के हिन हिनाने की आवाज कैसी। लगता हमारे पास आसपास ही कुछ सभ्य लोग मौजूद है जिनके पास घोड़े हैं। हाँ लगता तो ये है, लेकिन आवाज किधर से आ रही है। सभी इधर उधर देखने लगे। तभी घोड़ों के हिन हिनाने की आवाज फिर उभरी। ही कैप्टन, घोड़ों की आवाज उस तरफ से आ रही है। कैप्टन कौन है? हम लोग उठकर उस तरफ देखे। हाँ चलो, लेकिन मुझ में उठने की ताकत नहीं है। तो पड़ा रहे यहीं, कोई सेठ चीता कर तुझे खुद उठाकर सीधा खड़ा कर देगा। शेर चीते का नाम सुनकर सभी लोगों के शरीरों में जैसे करंट दौड़ गया। वे सभी उछल कर खड़े हो गए। हम भी साथ चल रहे हैं। मैं भी हम भी, तो चलो फिर। वे लोग आवाज की ओर बढ़े। ही, 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 हाँ आवाज इसी दिशा से आ रही है। शीघ्र ही जब घने पेड़ों के दूसरी तरफ पहुंचे तो उन सबके मुंह से आश्चर्य मिश्रित चीखे निकल गई। आह घोड़े, हे भगवान सचमुच यहाँ घोड़े हैं। लेकिन यहाँ आसपास आदमी तो कोई नजर नहीं आ रहा। इन घोड़ों के सवार आखिर कहाँ गए? मेरे विचार से वे पास वाली गुफा में होंगे। ध्यान से सुनिए, वहां से कुछ आवाजें भी आ रही हैं। वे सभी दौड़कर गुफा के मुख पर पहुंचे, लेकिन गुफा के भीतर का दृश्य देखते ही एक बार वे फिर सब अपने स्थान पर जड़वत होकर रह गए। धड़ाक, यह सारा खजाना मेरा है। तड़ाक, नहीं उफ, यह मेरा है। इस खजाने को मैं किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगा। आह धड़ाक, हाय, इस खजाने को पाकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। वारेश्वर, मौत से टकराते हुए यह तू हमें किस आग के दरिया के किनारे ले आया, जहां तो खजाने के रूप में मुझे मौत ही मौत बिखरी हुई नजर आ रही है। धड़ाक खटाक, यह मेरा नहीं, सब कुछ मेरा है। मिस्टर बॉन्ड, वह देखिए प्रतिमा के हाथों में जो दो दो हीरे हैं, वे इतने कीमत है कि इनसे सारी दुनिया को खरीदा जा सकता है। बॉन्ड ने कुछ सोचकर अपने साथ आने वाले सभी व्यक्तियों के चेहरों का जायजा लिया। उनकी आंखों में धीरे धीरे लालच की चमक के साथ साथ चेहरे पर क्रूरता और हिंसकता के भाव भी उभर रहे थे। यदि यह सारा खजाना मुझे मिल जाए तो इस खजाने को पाकर तो मैं भगवान बन जाऊंगा। हा, इसको पाने के बाद तो कुबेर भी धन में मुझे छोटा हो जाएगा। यदि यह खजाना मुझे मिल जाए तो मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं होंगी। दुनिया भर के मर्द मेरे गुलाम होंगे। मेरे माता पिता की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उन सबके मुखमंडल देखकर बॉन्ड का मस्तिष्क चकरा उठा। यदि जल्दी खजाने का कोई उचित इलाज नहीं किया गया तो ये सभी खून खराबे पर उतर जाएंगे। अगले पर बल बॉन्ड ने मोटू की पीठ पर लटके झोले से चुपचाप एक टाइम बम निकाला और उसे गुफा के बाहर एक जगह पर फिट कर दिया। सिगरेट टाइम बम भयंकर विस्फोट के साथ फटा ध्रोम, और वहां जैसे भूचाल आ गया। पूरी पहाड़ी लरज उठी और बड़ी बड़ी चट्टाने टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। कड़कड़ खड़खड़ कर, ओ यह क्या हुआ, लगता है भूचाल आ गया, भागो। भूचाल का नाम सुनते सभी दौड़ पड़े। इनमें गुफा के अंदर लड़ने वाले व्यक्ति भी शामिल थे। भागो भागो भूचाल, सभी घोड़ों पर सवार हो जाओ और निकल चलो यहाँ से, वरना सभी चट्टानों के नीचे दबकर मर जाएंगे। बॉन्ड की बात ने असर दिखाया। घोड़े पर्याप्त मात्रा में थे, अतः सभी आनंद फानंद में उन पर सवार हुए और उन्हें दौड़ाते हुए वहां से निकल भागे। देखते देखते वह गुफा बड़ी बड़ी चट्टानों और मिट्टी के नीचे नीचे दबकर न जाने कहां खो गई, जबकि धरती अभी बुरी तरह कांप रही थी। बॉन्ड आदि सभी अपने घोड़ों को काफी दूर देर तक दौड़ाते रहे। उसके बाद उन्होंने सुस्ताने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर डेरा डाल दिया। सभी घोड़ों को पीठ पर गोला बारूद के अलावा खाने पीने का सामान भी पर्याप्त मात्रा में था, अतः अब उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। खाने पीने के बाद रात उन्होंने उसी स्थान पर बिताई और अगले दिन वे अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर फिर आगे चल दिए।
इस बार उनकी अगुवाई भी वे लोग कर रहे थे जो गुफा में खजाने को पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। वे जंगल से बाहर के मार्ग से भली भांति परिचित थे। उनमें से इस समय 3 ही शेष बचे थे। एक अपने बारे में बोंड आदि को बता रहा था, हम 12 दोस्त उसी अनमोल खजाने को पाने के लिए इस जंगल में आए थे, लेकिन अफसोस लालच ने हमें अपने 9 साथियों से अलग कर दिया। हमने उन्हें मार डाला। उन तीनों को अपने किए पर बहुत दुख था, परंतु अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2 दिन के सफर के पश्चात वे सब उस खौफनाक जंगल से सुरक्षित बाहर निकल आए। हुर्रे हुर्रे। शाम तक वे जंगल के दूसरी ओर मौजूद नगर सिग्मा में पहुंच गए। वह रात उन्होंने वहीं के एक शानदार होटल में काटी और अगले दिन उन्होंने वहीं से भारत के लिए विमान पकड़ लिया, परंतु अभी क्रोकोडाइल टापू की यात्रा पर जाने वाले लोगों में से किसी को यह नहीं मालूम था कि खौफनाक जंगल के खजाने को कुर्कबाण ने ही मौत के मुंह में छुपाया था। और इस तरह से यह सुखद दुखद यात्रा किसी तरह समाप्त हुई। तो दोस्तों, ये कॉम सी पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपकी रचित कॉमिक से यहाँ पर लाता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी अगली।